कार्यक्रम के अध्यक्ष अरविंद चौधरी जी, भारत रक्षा मंच के श्री सूर्यकांत केलकर जी, हिंदू महासभा के श्री पातालनाथ जी, प्रभाष जी, प्रशांत जी और प्रबुद्ध श्रोतावर्ग, मैंने लिखा नहीं है सावरकर पे ज्यादा, पढ़ा जरूर है। मेरी राजनीतिक, सामाजिक या सार्वजनिक समझ जो बनी है उसमें सावरकर का बहुत बड़ा योगदान है। प्रशांत जी ने बताया मैं संघ में प्रचारक रहा हूं, संघ का स्वयंसेवक बनने से पहले मैंने सावरकर को पढ़ा, मैं संघ का स्वयंसेवक बना नहीं था, संघ में मैंने सावरकर को कम पढ़ा, संघ में आने से पहले मैंने सावरकर को पढ़ा, उनकी लगभग सारी किताबें पढ़ी, मोकला है, गुमान तक है, बल्कि उनकी पहली पुस्तक गुमान तक पढ़ी थी, फिर मोकला पढ़ी, फिर हिंदुत्व, हिंदुपाद, पादशाही, फिर 1857 का स्वातंत्र्य समर, फिर मेरा आजीवन कारावास, ये सारी पुस्तकें उनकी पढ़ी, लेकिन ये 93 की बात है, 93 में ये सारी किताबें पढ़ी। तो इसलिए अभी जब प्रशांत जी ने कहा तो मैंने तो पहले उनसे क्षमा याचना की कि वक्ता के नाते आप मत बुलाइए, फिर भी उन्होंने कहा तो मुझे फिर से दोबारा सारी पुस्तकें निकाल के पढ़नी पड़ी। तो पहली बात है जो आज का विषय है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सावरकर के विचारों की क्या महत्ता है। प्रश्न उठता है कि सावरकर के विचार क्या है और वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं जिनमें उनकी प्रासंगिकता को हम जांचना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। आमतौर पर जब हम देखेंगे सावरकर की कहीं भी चर्चा होती है तो केवल सावरकर के राजनीतिक पहलू की चर्चा होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे आयाम होते हैं, सावरकर के भी हैं। सावरकर एक क्रांतिकारी है, उन्होंने क्रांति कार्य किया, उन्होंने लंदन में संस्था बनाई, ढेर सारे क्रांतिकारियों को उन्होंने प्रेरणा दी और समझा जाता है मदनलाल धींगरा है या मदनलाल थे, बहुत सारे लोगों ने उनसे प्रेरणा पाकर ही वहां पर सारा काम किया। एक तो क्रांतिकारी सावरकर है, लेकिन सावरकर एक लेखक भी है, तो उपन्यास लिख रहे हैं, वो उनके कई सारे उपन्यास हैं, मराठी में साहित्य बहुत सारा विपुल साहित्य है, मेदिनी का जीवनी लिखी उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय कई सारे प्रसंगों पर लिखा उन्होंने, एक इतिहासकार सावरकर भी है, वो इतिहास भी लिख रहे हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास के 600 पृष्ठ लिखे, उन्होंने 1857 को पहली बार किसी ने स्वतंत्रता संग्राम कहा तो सावरकर थे, उसको म्यूटिनी कहा जाता था, सिपाही विद्रोह कहा जाता था, एक इतिहासकार सावरकर है, एक सुधारक सावरकर भी है। सावरकर के इस पहलू की कहीं चर्चा नहीं होती, वो समाज सुधारक भी है, वो जाति पाति तोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज कैसे है? आपने देखा नहीं कैसी बातें चलती हैं? एक पार्टी राहुल गांधी की पार्टी चुनाव घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट घोषित करती है कि हम जीत गए तो देश द्रोह विरोधी कानून को समाप्त कर देंगे, देश द्रोह है कोई अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसी व्यवस्था करेंगे, सेना के अधिकार हम कम कर देंगे, ये सब इसलिए चलता है कि देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में सारी बातें ही कमजोर करने का प्रयत्न। और सावरकर इन विषयों में बहुत स्पष्ट थे, तथा इन्हें निग्रो लोगों को अफ्रीका से लाला कर गुलाम बना करके रखा जाता था बड़ी मात्रा, अमेरिका में निग्रो नहीं थे, ये सर आज जो वीर सावर जी का जो प्रोग्राम रखा गया है, जिस तरीके से युवा जानते नहीं है कई लोग, और कई लोग इनके बारे में मतलब कहते हैं कि सही नहीं है, कोई भ्रांति। अभी अभी मैं सावरकर जी की जिस प्रकार की तुलना कर राहुल गांधी जी ने विषय छेड़ा है, इसलिए पूरे देश में आक्रोश है, संताप है। सावरकर जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था,
उसको इस प्रकार के अंडर एस्टिमेट कर उस पर इसी कमेंट करना, ये राहुल गांधी को शोभा नहीं देता। सावरकर जी का जीवन एक त्याग तपस्या और समर्पण का जीवन है, और उन्होंने जितनी यातनाएं इस देश के लिए भुगती है कोई दूसरा परिवार इतना उसकी कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए आज के आयोजकों ने जो सावरकर जी को लेकर यहाँ पर जो कार्यक्रम किया है, इसलिए वो अभिनंदन के पात्र हैं। सर, जिस तरीके से CA को लेकर के और NRC अभी आया नहीं है, लोगों में आक्रोश है और कई भ्रांतियाँ उन्हें फैली हुई है, गलत फहमियाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गलत फहमियाँ पैदा कर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम कई लोग इस देश में कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला के ऐतिहासिक ग्राउंड से पूरे देश को आश्वस्त किया है। देश की जनता किसी भी धर्म का रहे, किसी भी मजहब का रहे, किसी को इस बिल के कारण कोई संकट नहीं है। ये संकट इस देश के लिए रहने वाले नागरिकों के लिए नहीं है। ये जो कानून बना है, ये बाहर से आने वाले जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उनके लिए ये कानून बना है, और इसलिए देश को आश्वस्त रहना चाहिए। पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, गलत फैला रहे, लोगों का भ्रम फैलाने का काम वो कर रहे हैं, वो उनका मकसद कभी सक्सेस नहीं होगा। लास्ट में सर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सावरकर जी का? जिस प्रकार के विचार थे, गांधी जी के जिस प्रकार के विचार थे, वल्लभ भाई पटेल जी के जिस प्रकार के विचार थे, ऐसे विचारों का एग्जीक्यूशन करने वाली सरकार, आज देशभक्त सरकार देश में काम कर रही है, और पूरा देश आश्वस्त है। इनके नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे और देश आगे जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं सबको प्रणाम करके शुरू में ही बोला हूँ कि जो ऐसा वीर सावरकर के बाद ऐसा आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और भारतवर्ष के हर एक स्कूल में ये जो वंदे मातरम है इसकी गान होना चाहिए और बच्चों को शिक्षा होना चाहिए, इससे बहुत कुछ है। अच्छा सर, बार बार वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग उठती रही है, आज भी आप क्या मांग? आज हम तो मांग डिमांड किए हैं कि हमारे इस संस्था से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, मैं सबसे बोला हूं कि इसमें आप लोग सभी आदमी और हम लोग भी प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखें कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। सर, जिस तरीके से लोगों में भ्रमतियाँ रहती हैं वीर सावरकर लेकर के, क्या कहना चाहिए? देखिए, वीर सावरकर का एक ही नारा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा परम ब्रह्म, आपका आत्मा परम ब्रह्म है, तत्मसि जो है सो तू है, प्रज्ञान ज्ञानी जानते हैं कि आई एम वन, ऑल आर इक्वल, सब आदमी बराबर है, को बड़ा छोट कहत अपराध हूँ, जो बड़ा और छोटा कहता है वो अपराध करता है, इसलिए ऑल आर इक्वल, कोई जाति धर्म नहीं, एक सनातन हम संस्था के। अब देखिए ना, राम जी के जो शादी हुई थी स्वयंवर था, कोई भी आदमी तोड़ सकता था। अर्जुन का जो द्रौपदी का स्वयंवर था, पहले स्वयंवर से हमारा आपका माने पुरुषार्थ से शादी भी होती थी। आज जो है हम कास्ट में बन गए हैं, हम अपने को हिंदुओं को इनके कास्टिज्म के चलते जो है हिंदू जो है आज अल्पसंख्यक में आ रहा है। हम वाल्मीकि ऋषि को मानते हैं, वाल्मीकि ऋषि नरसुभ्यम मई के संस्कृति प्रथा नेतृत्व पूजनम प्रगृहताम, हम वाल्मीकि ऋषि को पूजा करते हैं, लेकिन सभी आदमी नहीं करते हैं, हर एक घर में वाल्मीकि की पूजा होना चाहिए। अच्छा सर, तभी राम पैदा होंगे, लोग कुछ पैदा हो गए। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? हम देश की जनता को एक संदेश देना चाहते हैं इस सभा के माध्यम से कि आप देश के प्रति, समाज के प्रति और हिंदुत्व के प्रति जागृत रहें, और ये हिंदुस्तान है, यहाँ का जो हर एक नागरिक है वो हिंदू ही मंत्री बने और हिंदू ही राज करे, हिंदू राज का बात करेगा, उसी पर हम विश्वास करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। हाँ, अरविंद कुमार चौधरी, मैं समाज सेवी हूँ और कई इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। सर, आज ही नूतन संकल्प फाउंडेशन आप ही ने ऑर्गेनाइज किया था आज, आपको क्या? नहीं, इसके अध्यक्ष प्रशांत झा जी हैं। अच्छा। मैं इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहा था। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता आप कर रहे थे सर, वीर सावरकर जी का ही आपने क्यों मुद्दा आज उठा करके प्रोग्राम को किया? क्योंकि देखिए, हमारे महापुरुष थे, हमारे देश में कई महापुरुष हुए, उसमें हमारे वीर सावरकर जी सही मायने में राष्ट्रभक्त थे और देश रत्न थे। तो इसलिए हम लोगों ने, चूँकि गांधी के बारे में बराबर हम देखते हैं प्रोग्राम्स होता है और सबके बारे में होता रहता है,
कि सावरकर जी के बारे में जनरली हम बहुत कम देखते हैं, इसलिए हमने चुना कि ये अभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, महान देशभक्त थे, इसलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को चुना है। सर, कई लोगों के अंदर भ्रांतियाँ रहती हैं वीर सावरकर जी को लेकर के, कई लोगों ने सही मानते हैं और कई लोग गलत मानते हैं। देखिए, हमारा कोई अधिकार नहीं है जो हमारे महापुरुष थे उनके बारे में हम ये सब बातें करें। ईश्वर कोई नहीं था, ईश्वर अगर आप देखेंगे तो राम के युग में भी रावण हुए, कृष्ण के युग में भी कंस हुए, कोई रावण कोई मानता है, लेकिन ज़्यादा लोग राम की पूजा करते हैं, लेकिन ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ गलत बोलें। हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए हमारे देश के जो भी महापुरुष हैं उनके रास्ते पर चलें, उनके बताए हुए मार्गों पर चलें। लेकिन हो क्या रहा है, हम उनकी अच्छी बातों को नहीं समझते हैं, लेकिन कहीं सुनी बातों को उसको हम लेके और हम लोग अपने समाज में अनर्गल बातों का प्रचार करते हैं, जो रुकना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कहना है कि वीर सावरकर जी को नॉट ओनली वीर सावरकर, हमारे जो भी राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने देश की आज़ादी में, जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसको कोई नहीं जानता है, हमारे लिए वही पूजनीय है, सबकी पूजा होनी चाहिए। और वीर सावरकर निस्संदेह राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे, बहुत बड़े समाज सेवी थे, जैसा कि आपने देखा होगा कई बारे लोगों ने बताया उनके बारे में, उनके सामाजिक सरोकार के बारे में। तो हमें ये अधिकार नहीं है कि हम उनके निगेटिव चीज़ को प्रचारित करें। अगर कुछ था भी तो कोई भगवान नहीं है, हर एक चीज़ में दोनों पहलू होता है, हम उनकी अच्छी बातों को क्यों न लें। अच्छा सर, आज ये प्रोग्राम के माध्यम से कुछ मांग भी रखी है आपने सरकार? नहीं नहीं, हम कोई मांग नहीं रखते हैं। जैसे हम कि भारत रत्न की आप मांग कर रहे थे वीर सावरकर? नहीं, भारत रत्न की मांग तो सब कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं उनके लिए, और उनको मिलना चाहिए, ये अलग चीज़ है। लेकिन ये संस्था सिर्फ जागरूक कर रहा है हिंदू समाज को कि वो वीर सावरकर को पहचाने। मैं खुद उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, जबकि मैंने बताया मैंने महाराष्ट्र में पढ़ाई किया है, मैं महाराष्ट्र में था, रहने वाला बिहार का हूँ, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। मुझे आज बहुत जानकारी उनके बारे में मिली। इसी तरह से पूरे देश को वीर सावरकर या और भी जो हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी के बारे में कौन बहुत ज़्यादा जानता है, नहीं जानते आज के बच्चे, सबको जानना चाहिए। थैंक यू सर। एक सवाल हो रहा है मेरे आपसे, जिस तरीके से राहुल जी ने वीर सावरकर गांधी हूँ, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी बहुत नादान हैं, सावरकर को पढ़े हों, मैं उनको यही अपने ये इस मंच से ये बोलना चाहता हूँ। एज ए हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ मैं, सवा अरब का प्रेजेंट करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि खुद राहुल जी इस संस्कृति को पढ़ें और इस संस्कृति में घुल मिल जाएं। वहाँ तो अपने क्रिश्चियन बनते हैं, यहाँ पर टीका लगाते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं। आप खुद उनको बोलिए कि आप सुधारें, आप खुद सुधारें, आपको किसी के विषय में, सावरकर के विषय में उनको बोलने का हक ही नहीं है। तो आपने सुना जिस तरीके से आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है नूतन संकल्प फाउंडेशन की तरफ से जो आज आह्वान किया गया है वीर सावरकर जी के बारे में, यहाँ पे लोगों को तमाम जानकारियाँ दी गई हैं, इसी को लेकर के ये लोग भारत रत्न की मांग भी कर रहे हैं, वीर सावरकर जी को मिलना चाहिए। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और मैं आपको दिखा दूँ जिस तरीके से वीर सावरकर जी को लेकर के आज यहाँ पे जो कार्यक्रम किया गया है। और मेरे साथ हैं सुधांशु झा जी, जो अच्छा, कई लोगों में भ्रांतियाँ फैली रहती हैं कि सावरकर जी को कई लोग ठीक नहीं मानते, कई लोग सही मानते हैं। ऐसा है कि ये जो तीन चार जो मतलब दुष्ट हैं समाज में, मुस्लिम्स, मुल्ला और आपको वामपंथी, ये इन लोगों का ये काम है कि राष्ट्र प्रेमी लोगों को किसी भी तरह से हम बदनाम करें। तो ये एक राजनीतिक साजिश होती है कि हम किसी भी मतलब अच्छे व्यक्ति को बुरे साबित करने की कोशिश करें। ये तो हमेशा से समाज में चलता आया, उसी के तहत राहुल गांधी ने एक पूरे सुनियोजित तरीके से इसको उठाया, इस मैटर को। इससे पहले मणिशंकर अय्यर ने उठाया, इससे पहले भी कई कांग्रेसियों ने उठा रखा है, कई उसी की सिलसिला को इन्होंने आगे बढ़ाया ताकि हम इसकी पॉपुलैरिटी मिले हमें।
देश में इस इतने पॉपुलर पर्सन पर्सन का, जिसको भारत के हिंदू समाज के एक एक व्यक्ति अपना पुरोधा मानते हैं, उसके खिलाफ ऐसी बात बोल दो, ताकि हम हिंदू अगेंस्ट राजनीति को थोड़ा ऊंचाई दें, हाइट दें, हिंदू के अगेंस्ट जो राजनीति है उसको हाइट दें, मुस्लिम के तरफ जो है उसको मुस्लिम का भरोसा जीतें। तो इससे कांग्रेस पार्टी और नीचे जा रही है, क्योंकि ये हमेशा हिंदुओं का देश रहा है और कितने भी मुसलमान भी यहाँ पे हिंदुओं के संस्कारों को वो अपनाना चाहते हैं। आज मुस्लिम भी हिंदुओं के संस्कार से खुश हैं, मोदी जी से खुश हैं। मैं अभी रामलीला मैदान में मोदी जी की रैली थी, 125,000 लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें कई मुस्लिम आए थे। इतने ठंड के मौसम में दिल्ली शहर में किसी को घर से निकालना मुश्किल होता है, घर पे नॉक करना पड़ता है। सुबह 9 बजे दूर दूर से लोग बसों में बैठ के बिना ब्रेकफास्ट, बिना नाश्ता किए, बिना कुछ चाय पिए वो मैदान में पहुँचे थे, और इतनी मैदान में ठंड थी उसके बावजूद भी लोग डटे हुए थे। तो ये तो पैसे, ये तो विरोधियों का काम है कि हम किसी भी तरह से मोदी जी के प्लान को फेल करें कि लोग इतने इकट्ठा हो गए, वो गलत थे, वो दूसरे के सपोर्टर थे या दूसरे तरीके से लाए गए थे। तो ये तो खैर विरोधी पार्टियों का अपना काम होता है कि इतनी भीड़ देख के वो किसी भी तरह से उसको नेगलेक्ट करें मोदी जी के। तो तमाम जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे आज, जैसे वीर सावरकर जी को लेकर के लोगों में भ्रांतियां फैली हुई हैं, युवा जो हैं उनके बारे में कई लोग हैं जो जानते नहीं हैं। देखिए, मैं जनता, भारत की जनता से, भारत की जो समाज है उनको मैं यही कहूँगा कि वीर सावरकर जी हिंदुओं के पुरोधा थे। भारत की राष्ट्रवादिता को बढ़ाने में उनका जो योगदान है उस अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है, अतुलनीय रहा है। आज तक कोई भी राजनेता, या वो राजनेता थे भी नहीं, वो एक संत विचार के व्यक्ति थे, उन्होंने चूंकि ये स्वर बुलंद की तो उनको बहुत तरह की प्रताड़ना अंग्रेजों ने दी, बहुत राष्ट्रवादी लोगों, राष्ट्र विरोधी लोगों ने उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन हिंदू समाज उनको बहुत जल्दी पहचान लिया कि यही हमारे पुरोधा हैं। और आज हम ये कहते भी हैं, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा कि इनको मतलब बहुत जल्दी से जल्दी जो है इनको हमें मतलब जो इन्हें आप यहां भारत रत्न अवार्ड दिया जाए, भारत रत्न के मांग कर रहे हैं हम लोग। इसमें भी हम मांग किए हैं कि भारत, हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उन्होंने भी कहा है कि भारत रत्न देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिनको कांग्रेस ने 60 साल में अवॉइड किया। तो ये थे हमारे साथ सुधांशु झा जी, जो कि उत्तम नगर से विधानसभा प्रत्याशी हैं। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। Drummer